हेलो दोस्तों, आज हम आपको कैरिज बेल्ट चेंज करके दिखाएंगे जो कि कोनी का 512 आई हेड मशीन कलर जेट पोलो टर्बो की। इस तरीके से आप किसी भी जो फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन है उसकी कैरिज बेल्ट चेंज कर सकेंगे। तो दोस्तों देखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बताएं किस तरीके से आपकी अगर बेल्ट टूट जाती है कैसे आपको चेंज करनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ये हट गया है, इसके बाद आपको क्योंकि बेल्ट ये वाली जो है ये टूट गई है हमारी बेल्ट, ये इसको चेंज करना है। इससे एलएनटी की हेल्प से आप यहाँ अंदर से खोलेंगे, ये दो आपको छिद्र दिए हुए हैं, ये दोनों यहाँ से इनसाइड जो है यहाँ से खोलना है आपको। देखिए इस तरीके से, कटिंग हो रही है इस तरीके से, इस हिसाब से इस तरीके से चल देंगे। देखिए यहाँ पर आप जो है बेल्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके इसमें चेक कर लेना, आपको इसमें डस्ट है तो हमने इसमें क्लीन कर दी है इस तरीके से। ये इस तरीके से दांतों को क्लीन कर लेना है जिससे, क्योंकि ये हमारी न्यू बेल्ट है। आपको इसमें इस तरीके से ऐड करना होगा, जो आपको बेल्ट वाला एरिया है जो प्रॉपर एरिया होगा वो आपको कटिंग साइड रखना है, कटिंग वाली साइड। ये देखिए, तो हमने बेल्ट इसमें जो है अपनी न्यू बेल्ट जो है सेट कर ली है वो। अब देखिए आप किस तरीके से लगाने हैं, हम क्लिप इस तरीके से रोकने के लिए लगाते हैं। देखिए इस तरीके से आपको इंस्टॉल करनी है अभी, इस तरीके से आपको पीछे वाले देखिए आपकी बेल्ट जो है कस चुकी है हमारी बेल्ट, ये एक साइड इस तरीके से। अब इसको अंदर जो है इंस्टॉल किस तरीके से करनी है, अपनी बेल्ट को चेंज करना कैसे बाहर से के बाहर ही, वो देखेंगे आप। ये हमारी बेल्ट हो चुकी है तैयार। अब इसको जो ओल्ड वाली बेल्ट है इसको कैसे चेंज करेंगे न्यू बेल्ट में, अपनी जो ओल्ड बेल्ट है ना उसमें इस तरीके से टेप मार देनी है जो न्यू बेल्ट की, किसी चीज़ से मजबूती से बांध देना है जिससे कि बेल्ट बीच में ना छूटे, और ध्यान रखना है आपकी बेल्ट ये अंदर टेपिंग कर दी ओल्ड बेल्ट के साथ में जो हमारी न्यू बेल्ट है इसे पकड़ के इसके साथ। अब इसको इसके साथ में जो है अंदर जाने देंगे हम, धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंचानी है हमें इस तरीके से। देखो कैरिज को उधर से इधर को करेंगे, देखो इधर से इधर को कैरिज हम इधर को सरकाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा कैरिज सरक रहा है, उधर बेल्ट जा रही है हमारी अंदर, देखेंगे। थोड़ा ढीले कर लेना है आपको पहले कंपैरिजन में, ये बोल्ट कम करके रुक, दूसरी तरफ को बेल्ट को खींचते रहना कैरिज को उधर से। इस तरीके से आपकी बेल्ट जाती रहेगी, आराम आराम से चलते रहो, रुक। दोस्तों आराम आराम से हमारी बेल्ट जो है इधर अंदर पहुंच चुकी है इधर, और दूसरी साइड दिखाते हैं आपको जो हमने खींची है वो। देखिए आप, ये हमारा कैरिज है और ये सेकंड साइड जो आपको दूसरी साइड लानी है। धीरे धीरे इस तरीके से आपको अपनी पुली पे ये बेल्ट आ गई, देखो ओल्ड वाली बेल्ट के साथ में आई है, यहाँ से हमने जो बांधी थी उसी के साथ में ये बेल्ट आ चुकी है यहाँ पर, और ये हमारा कैरिज है दूसरी साइड की। आप आसानी से इस तरीके से बेल्ट को डालेंगे, और ये इस तरीके से हमारी बेल्ट आ चुकी है दूसरी साइड से। ये देखिए
इस तरीके से ये हमारी पूरी बेल्ट जो न्यू है, ओल्ड वाली न्यू में ये आ चुकी है यहाँ पर। अब इसको हम टाइट करेंगे यार इस तरीके से करने में, तो आपकी पूरी बेल्ट आ जाएगी, तो आपका कैरिज इधर को आता रहेगा और बेल्ट इधर को चलती रहेगी। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अब प्रॉपर पूरी बेल्ट निकालनी है हमें इधर को। देखिए इस तरीके से चल रहा है, ये कैरी जा रहा है हमारा। निकल गई बेल्ट पूरी, ये हमारी बेल्ट पूरी निकल चुकी है इधर। ये ओल्ड बेल्ट हमारी जो है पूरी निकल चुकी है। आपको एक ध्यान रखना है कि ओल्ड बेल्ट को दूसरी साइड से नहीं काटना, आपको एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इसको इसी तरीके से निकालते रहना है। देखो हमारी बेल्ट ये पुरानी वाली जो डैमेज हो गई थी वो निकल चुकी है, और ये न्यू बेल्ट इसके साथ में आ चुकी है हमारी, ये न्यू बेल्ट। ये देखिए ये सेकंड जो हमने बांधी थी जहाँ से, वहाँ से खोल देते हैं इसे। अब इसको हम दूसरी साइड बांध लेंगे, और किस तरीके से टाइट करनी है, किस तरीके से बैलेंस करनी है, वो सब आप अच्छे से देखिए। देखिए जो सेकेंड टेप बांधी थी हमारी, ये आ गई प्रॉपर अपनी बेल्ट हमारी यहाँ पर न्यू आ गई है। ये जो बेल्ट डैमेज हुई थी उसके जो कुछ ये पार्टिकल्स रह गए थे, ये भी सब बाहर निकल गए इस तरीके से। ये हमारी न्यू बेल्ट आ चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। आपको इसको बैलेंस करनी होगी, अब हेड किस तरीके से चलेगा हमारा, किस तरीके से बैलेंस होगी। ये भी हमारी न्यू बेल्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्यों फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ जुड़ चुका है, सेकंड पार्ट ओल्ड बेल्ट हट के न्यू बेल्ट का जो पार्ट जुड़ेगा इधर जुड़ेगा यहाँ पर। देखिए कैसे करते हैं, लाइट जला ये इस तरीके से आपकी ओल्ड बेल्ट की रेट है, तो हल्का अंतर है। ठीक है मैम, को मशीन में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं आपको बता रहा था। टाइम कितना हो रहा है, 2:15 आ जाने के बाद देखेंगे, क्योंकि अभी बेल्ट में देखो झोल है, इधर देख सकते हैं बेल्ट जो है अभी ढीली है। इसको टाइट कैसे करना है वो आप देखिए, पहले देखो हमने जितनी टाइट करनी थी वो यहाँ पे कर दी है अभी। अगर और ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा से फिर टाइट करके दिखाएंगे, और इसको बाहर से ही हम टाइट करने की वो करेंगे। देखिए इधर से हमको किस तरीके से टाइट करना है इसको, ये देखना होगा आपको। अब हमारी जो बेल्ट में अभी झोल आ रहा है, देखो इधर देख सकते हैं आप, ये बेल्ट है ये अभी ढीली है। अब इसको जो है यहाँ हमें टाइट करना है और सेटिंग करनी होगी। देखिए इस तरीके से, ये आपके जो स्क्रू लगे हुए हैं इसमें, इनको थोड़ा थोड़ा टाइट करना होगा, वो भी लेवल में जितना ऊपर का वो, इस तरीके से इतना थोड़ा ऐसे करना है, थोड़ा ऐसे करना है, थोड़ा नीचे वाला करना होगा, तब तक करना है जब तक लेवल ना बन जाए। और लेवल भी इसी पर सेट होगा आपकी बेल्ट का, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर तो नहीं चढ़ रही है इस तरीके से देखने के लिए। तो आराम आराम से इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा दोनों को इक्वल लेके चलना होगा। आपको लेवल रखना है, देखो ये ऊपर वाली हल्की सी कसना होगा हमें तब जाके, वरना तो आपकी बेल्ट पहले की जगह डैमेज हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आप कैरिज को चलाएंगे, हम देखेंगे किस तरीके से चलाना, कैरिज चलाओ आएगी। अब देखो बेल्ट हमारी मिडिल में चलने लगी है, ये जब ऊपर जा रही थी तब। देखो बेल्ट हमारी टाइट हो चुकी है ये सारी, और इधर भी हमारा जो है लेवल बन चुका है, क्योंकि इसी लेवल में ये आएगी, मिडिल में नहीं चलेगी, यहाँ पे चलनी है। देखो ऊपर से गैप है, नीचे भी काफ़ी गैप है हमारा आने पे, तो ये देखना हमें। अगर ऊपर पूरी मिलके चलती है तो बैल जल्दी आपकी डैमेज हो जाएगी, ऊपर से टूटना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द, और जल्दी ख़राब हो जाएगी। आपको इससे ऊपर से और नीचे से मिलकर नहीं चलने देना, यानी कि हमें देखा कि ऊपर से हमारी मिल नहीं रही, थोड़ा सा स्पेस है देख सकते हैं आप, ये इतना स्पेस रहना ज़रूरी है।
तो ये आपकी सेटिंग कर होती है, ये आपके जो दो स्क्रू हैं इनको आगे पीछे करने से लेवल में। देखिए आप ये कैरिज देखो, हम चेक करके दिखा रहे हैं, कैरिज जा रहा है हमें। और देखिए ये देखिए हमारी न्यू बेल्ट गिर गई है, कैरिज बेल्ट, और ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल टाइट है। ये देखिए मशीन को रनिंग भी करके दिखाएंगे आपको हम, क्योंकि हमारा यानी कि मिडिल में हमारी जो है बेल्ट आ रही है इस टाइम पे, आपको इस तरीके से करना है। ये देखिए देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको करनी होगी बेल्ट की सेटिंग। तो दोस्तों कर दे, स्विच ऑन कर दे, मशीन स्विच ऑन कर दिया है। ये देखिए बेल्ट हमारी चल रही है, सही चल रही है। ये देखो बहुत अच्छे से हमारा कैरिज जो है रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बेल्ट में कोई लूजपन है, अच्छे से हो चुकी है। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से स्टोर। ये देखिए ये देखिए कोई लो स्पीड चल रही है बेल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेल्ट में, कैसे से रन कर रही है। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से इंस्टॉल अपनी मशीन में कैरिज बेल्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की टेक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे हम इसी चैनल पर।